अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम के क्लॉक कंट्रीब्यूशन पर। यहाँ पर हम 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, जब घड़ियों का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग टाइम कैसे देखते थे। नंबर 2, अलजज़ारी कौन थे और उन्होंने कौन कौन से इन्वेंशन किए थे। नंबर 3, हाथी घड़ी क्या थी और अलजज़ारी ने उसे क्यों बनाया था। नंबर 4, हाथी घड़ी वर्क कैसे करती थी। नंबर 5, आज आप इसका मॉडल किस कंट्री में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जब घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कैसे टाइम देखते थे। आज हमारे पास साइलेंट, डिजिटल और टिकटॉक वाली कई घड़ियां मौजूद है। पुराने समय में भी लोग टाइम को रिकॉर्ड करना चाहते थे और देखना चाहते थे ताकि वे अपने सारे काम सही समय पर कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ डिवाइसेस को बनाया हुआ था। यहाँ पर मैं आपको उनके 3 डिवाइसेस के बारे में बता रही हूँ जो पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 1 है सनडायल। ये एक तरीके का डिवाइस था जिसको सूरज के आगे रखा जाता था। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती थी तो इससे एक शेडो बनती थी। इस शेडो से ही समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। नंबर 2 पर है इजिप्ट की पानी घड़ी, जो इजिप्ट में 1500 साल पहले इस्तेमाल होती थी। ये एक ऐसा डिवाइस था जो 2 भागों में डिवाइडेड होता था। इसका ऊपरी भाग जो था तो वो एक टोंटी की तरह होता था। ये डिवाइस इस टोंटी में बहने वाले पानी को मापता था जो कि बूंद बूंद करके गिरता था। इस पर नंबर भी लिखे होते थे कि कितने घंटे बीत चुके हैं। नंबर 3 पर है घटी का यंत्र, जो कि इंडिया से था। ये भी 2 भागों में डिवाइडेड होता था। इसमें एक तांबे का छोटा कटोरा पानी से भरे एक बड़े बर्तन पर तैरता रहता था। इस तांबे के कटोरे में एक छेद होता था जिससे इसमें धीरे धीरे पानी भरता था और फुल भरने पर यह कटोरा डूब जाता था और तली में जाकर लगता था, जिससे एक जोरदार आवाज होती थी और वो टाइम देखने वाले को टाइम बता देती थी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर कि अलजज़ारी कौन थे और उन्होंने कौन कौन से इन्वेंशन किए थे। इस्माइल अलजज़ारी का पूरा नाम बदी उस जमान अबू अल इज इस्माइल इब्न अल रज़ाज अलजज़ारी था। ये 1136 में पैदा हुए थे और तुर्की के दियाबाकिर इलाके से थे। इनके फादर एक क्राफ्टमैन थे। उन्हीं से अलजज़ारी ने औजारों को चलाना और चीज़ों को बनाना सीखा था। अलजज़ारी एक पॉलीमैथ थे। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ एक स्कॉलर, आर्टिस्ट और मैथमेटिशियन भी थे। अलजज़ारी ने ही सबसे पहले ऑटोमेटिक मशीनों और रोबोटिक मशीनों की नींव रखी, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ रोबोटिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न डे इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी ऑटोमेटिक यानी कि रोबोटिक मशीनों को बनाया था। वैसे तो 1206 तक अलजज़ारी ने डिफरेंट साइजेस और शेप की घड़ियां बना ली थी, जिसमें एलिफेंट क्लॉक, स्क्राइब क्लॉक, कैस्टल क्लॉक, फ्लूट क्लॉक शामिल है। इसके अलावा भी अलजज़ारी ने सैंड कास्टिक, वेल्व सीट, वाइंड प्रूफ लैम्प, ऑटोमेटिक वाटर फ्लो रेगुलेटर, पेपर मॉडल, लेमिनेशन और लिंकेज की खोज की थी। अलजज़ारी जब राजा सलाउद्दीन के बेटे राजा नासिर अल-दीन के लिए काम कर रहे थे, तब उन्होंने अलजज़ारी से कहा कि आपने अनगिनत डिवाइसेस बनाए और आप अपने अकॉर्डिंग उनको यूज में भी लाए, लेकिन आप अपने इन डिवाइसेस को ना खोएं जिनको आपने इतनी मेहनत से बनाया है। मेरी विश है कि आप मेरे लिए एक बुक लिखें जिसमें आप इन सभी डिवाइसेस की डिटेल करें। इसके बाद अलजज़ारी ने जो बुक लिखी वह हमें द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियर्स मैकेनिकल डिवाइस के रूप में मिलती है। ये बुक हर फील्ड के इंजीनियर के लिए बराबर यूजफुल है, क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में 6 कैटेगरीज में लिखा हुआ है। इसी बुक में हमें रोबोटिक मशीन्स, क्लॉक, वाटर क्लॉक और वाटर फाउंटेन के बारे में जानने को मिलता है। नंबर 3 पॉइंट है कि हाथी घड़ी क्या थी और अलजज़ारी ने इसे क्यों बनाया था। जैसे आज हमें अपने डेली वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम देखने की ज़रूरत होती है, ठीक 800 साल पहले भी लोगों को थी। अलजज़ारी काफ़ी समय से मुस्लिम ट्रेडिशन के लिए एक घड़ी बनाना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और ये चलता जाता है, और टाइम को जानना ज़रूरी था ताकि अपने सारे काम सही समय पर किए जा सकें, कब अजान देनी है और कब नमाज पढ़नी है। इसके बाद राजा सलाउद्दीन के बेटे के कहने पर अलजज़ारी ने हाथी घड़ी को बनाया था, जो कि स्टेट, वेल्थ और इंटेलिजेंसी का सिंबल थी। ये पहली ऐसी घड़ी थी जिसमें किसी रोबोटिक को ऐड किया गया था। अलजज़ारी ने हाथी घड़ी को इंसानों की डाइवर्सिटी और इस्लाम के यूनिवर्सल नेचर को दिखाने के लिए भी बनाया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम वर्ल्ड स्पेन से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैल रहा था, इसीलिए ये घड़ी कई कल्चर का मिक्सचर थी। इस घड़ी को बनाने के लिए अलजज़ारी ने ग्रीक के जल सिद्धांत, भारतीय समय जल उपकरण घाटी, भारतीय हाथी, इजिप्ट के फिनिक्स चिड़िया, अरब के आंकड़े, फारसियों की कालीन और चाइनीज ड्रैगन का इस्तेमाल किया था। इस घड़ी में राजा सलाउद्दीन को भी एक रिस्पेक्टफुल लीडर के तौर पर यूज़ किया गया था। इस घड़ी में हर एक कंट्री से एक सिंबल लिया गया था और इसमें यूज़ हर एक एनिमल के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ था।
इसमें हाथी रॉयल्टी का, फिनिक्स चिड़िया रीबर्थ और लाइफ का, और ड्रैगन पावर का सिंबल था। अलजजारी बेहतरीन डिजाइन की और सफल मशीनें बनाना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने हाथी घड़ी को बनाया था, जो अपने आप में एक मास्टरपीस है और देखने लायक है। इस घड़ी में इन्होंने ग्रीक के जल सिद्धांत का और घटिका यंत्र के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। ये इस हाथी घड़ी का सेंटर पार्ट था। अपने फोर्थ पॉइंट पर बात करते हैं कि एलिफेंट क्लॉक वर्क कैसे करती थी और इससे टाइम कैसे देखा जाता था। एलिफेंट क्लॉक का वर्क बताने से पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के नेम बता देती हूँ। फेनेक्स डायल, जिसमें 30 बॉल्स लगी होती थी, राजा सालादीन का रोबोटिक, कैस्ट्रल, फैल्कन, चाइनीज ड्रैगन, स्क्राइब जो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट राइडर मेहोट, और एलिफेंट जो टाइम मैकेनिज्म को बताता है। इस हाथी घड़ी में हाथी के पेट में एक टैंक बना हुआ था। ये इस हाथी घड़ी का मेन सेंटर था, जिसके अंदर एक कटोरा तैरता था। इस कटोरे के अंदर छेद था। ये कटोरा धीरे धीरे भरता था और भरने के बाद जब ये डूबने लगता था तो इससे जुड़ी तीन रस्सियां खींचती थी, जो 30 बॉलों को कंट्रोल करती थी। हर बार एक बॉल रिलीज होती थी, जिसके बाद ही पूरी क्लॉक का प्रोसेस स्टार्ट होता था। यहाँ अलजजारी के बेहतरीन मैनेजमेंट का सबूत मिलता है कि उन्होंने कटोरे के छेद को इस तरह बनाया हुआ था कि उसको भरने में एग्जैक्ट आधा घंटा लगता था और हर आधे घंटे में एक बॉल रिलीज होती थी। जब बाउल डूबता था तो एक तरह के फ्लूट की आवाज़ आती थी और फिनिक्स चिड़िया घूमना स्टार्ट कर देती थी। इसके बाद डायल से एक बॉल रिलीज होती थी, जो कैस्ट्रल से होते हुए फैल्कन के मुँह से बाहर आती थी। इसके बाद राजा सालादीन का रोबोटिक उस डायल की तरफ टर्न होता था जहाँ से बॉल रिलीज हुई है, और जब फैल्कन के मुँह से बॉल बाहर आती थी तो इनका हैंड भी मूव होता था। इसके बाद ड्रैगन उस बॉल को कैच करता था और उसको धीरे से लाकर एलिफेंट राइडर यानी कि मेहोट के पीछे रखे वास में डाल देता था। ये इस क्लॉक का लास्ट सीक्वेंस होता था। इसके बाद एलिफेंट राइडर मेहोट अपने हाथों को मूव करता था और एक तरह का बिगुल बजाता था, जिससे पता चलता था कि सीक्वेंसेस का लास्ट हो चुका है। और जब ड्रैगन बॉल को एलिफेंट राइडर के पीछे रखे वास में डालता था तो रस्सियां जुड़ी होने की वजह से बाउल तिरछा होता था और उसका सारा पानी खाली हो जाता था, जिसकी वजह से इस बाउल में दोबारा पानी भरना शुरू हो जाता था। और यहाँ पर स्क्राइब इस घड़ी में मिनट को रिप्रेजेंट करता था, जैसे कि आज की क्लॉक्स में मिनट वाली सुई होती है, ठीक उसी तरह से ये मिनट को रिप्रेजेंट करता था। इस क्लॉक में ये हर आधे घंटे में रोटेट होता था और धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता था। इसे देखकर पता चलता था कि आधा घंटा पूरा होने में कितना टाइम बाकी है। राजा सालादीन के पीछे लगा डायल, जिसमें 30 बॉल लगी होती थी, वह टाइम का सिंबल था, जो कि ये बताता था कि कितने घंटे बीत चुके हैं। हाथी घड़ी के ये सोफिस्टिकेटेड एक्शन और रिएक्शन पूरे दिन में हर आधे घंटे में होते थे। इस हाथी घड़ी को पूरे दिन में दो बार रीसेट किया जाता था, एक बार सूरज उगने पर और दूसरा सूरज डूबने पर। इसके बाद 30 बॉल्स को वापस डायल में लगाया जाता था और पानी के लेवल को भी मेंटेन किया जाता था। इस हाथी घड़ी को दिन और रात के घटने बढ़ने के हिसाब से भी सेट किया जाता था। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर कि हाथी घड़ी का मॉडल आपको किस कंट्री में देखने को मिल सकता है। हाथी घड़ी का मॉडल आपको दुबई में देखने को मिल सकता है। वहाँ पर इब्न बतूता मॉल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा थीम मॉल है। यहाँ पर जो हाथी घड़ी मौजूद है वह आम हाथी घड़ी से 3 गुना बड़ी है। यहाँ पर मौजूद हाथी घड़ी को अलजजारी को ट्रिब्यूट देने के लिए रिकंस्ट्रक्टेड किया गया है, जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली ऑटोमेटिक क्लॉक को बनाया था। यहाँ पर जो हाथी घड़ी मौजूद है वो 7 मीटर्स हाई है, 1.7 मीटर्स वाइड है, 4.5 मीटर्स लॉन्ग है, और इस घड़ी का टोटल वेट 7.5 टन है। फ्रेंड्स, ये थी अलजजारी और उनकी बनाई एलिफेंट क्लॉक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस्लामिक गोल्डन एज और उसमें किए हुए इन्वेंशंस के बारे में पता चल सके। अगर आप इस्लामिक गोल्डन एज में इंटरेस्टेड हैं और इससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।